नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजटेक न्यूज में। और आज जिस टॉपिक को लेके हम आपके साथ बात करने के लिए आए हैं वो टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। जी हाँ दोस्तों, जिस तेजी के साथ अभी ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अपने मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं और जिस तेजी के साथ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड आप देख सकते हैं, वो आखिर क्या इसके पीछे के रीजंस हैं जो इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में क्या इसकी संभावनाएं हैं, उनको लेके हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कार क्यों बाय करनी चाहिए, क्या वो रीजंस हैं कि हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कार बाय करनी चाहिए अब, और इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ क्या हैं, कुछ इंसेंटिव्स क्या हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, और क्या गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ हैं इसके मैन्युफैक्चरर्स को लेके, और किस तरह का अभी सेटअप है इंडिया के अंदर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कार्स, और किस तरह का रुझान लोगों के मन में है इलेक्ट्रॉनिक कार्स के लिए, और कितनी बेनिफिशियल है इलेक्ट्रॉनिक कार्स इंडियन मार्केट को लेके और इंडिया को लेके, अभी क्या चैलेंजेस हैं और क्या फैक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट को लेके, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मार्केट को लेके इंडिया में। तो इन सब टॉपिक्स को हम इसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को और इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, देखिएगा। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो स्टार्ट। दोस्तों आज के इस वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक कार्स के इस वीडियो में, हम आपके साथ एक फैक्ट सबसे पहले शेयर करना चाहेंगे कि 1900 जो था उसकी शुरुआत के दिनों में, उससे पहले जबकि कार्स का डेवलपमेंट हो रहा था पूरी दुनिया के अंदर, उस वक्त यूएस के अंदर कुछ 30-40% के आसपास जो या 2/3 जो भी उस समय कार्स चल रही थी, उन कार्स और ऑटो रिक्शा जो भी थे वो सबके सब इलेक्ट्रिक बेस्ड थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक ऊर्जा से चला करते थे उस वक्त। लेकिन फिर लेटर ऑन जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए और पेट्रोल और डीजल की एक नया इजाद हुई और फिर जो सारी व्हीकल्स थे वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोल और डीजल के ऊपर, उसमें ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे थे, ज़्यादा स्पीड मिल रही थी, वो सब चीज़ें। लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम जो था वो डेफिनेटली क्रिएट हुआ पूरे वर्ल्ड के लिए, वो है पॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, और इस पॉल्यूशन की प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, तो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी हम सबको फेस करनी पड़ रही है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इन चैलेंजेस को देखते हुए अब पूरी जो दुनिया है वो अब शिफ्ट कर रही है पेट्रोल और डीजल कार्स को एक तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो जिस कार्बन डाइऑक्साइड का एक तरीके से उत्सर्जन कम से कम हो सके, इसको लेके बात जो है चल रही है। और इसी कड़ी में जो फर्स्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार है वो सबसे पहले टोयोटा ने पायरस करके 1997 में जापान में लॉन्च करी थी, जिसकी करीब 18,000 यूनिट्स उन लोगों ने पहले साल वहाँ सेल आउट करी थी। उसके बाद 2000 के अंदर करीब टेस्ला जो है उन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट यूएस के अंदर करा, और आज पूरी दुनिया में ये इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर लीडिंग कंपनीज में से गिनी जा रही है। इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है, उन लोगों ने काफ़ी इनिशिएटिव लेके अपने कंट्रीज़ के अंदर और कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करा है, जिसके कारण बहुत ही तेज़ी के साथ जो इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है। इसके अंदर हम आपको बताना चाहेंगे कि नीदरलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है और फिनलैंड है और चाइना है, यूएस है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ की इसका मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। दोस्तों इसके अंदर एक टॉपिक और हम लोग ऐड करेंगे, एक बात और आपके साथ शेयर करने चाहेंगे कि इंडिया में अभी करंट जो मार्केट सिनेरियो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके, वो करीब 0.1% के आसपास इसका शेयर है पूरे ओवरऑल कार मार्केट के अंदर। और अभी जितना व्हीकल्स हैं जो कि बेस अभी इंडिया में यूज़ करे जा रहे हैं, वो सारे के सारे पेट्रोल और डीजल के ऊपर बेस सारे व्हीकल्स हैं अधिकतर, और ये सब व्हीकल्स एक तरीके से ज़िम्मेदार हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इनसे जो है बहुत ज़्यादा CO2 जो है वो एमिशन होता है, और इंडिया नंबर 3rd पे स्टैंड करता है एक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं उसके उत्सर्जन में, अगर जो कंट्रीज़ हैं
उसमें नंबर थर्ड पे स्टैंड करता है विद 1.76 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का हम लोग उत्सर्जन करते हैं, ऐसा कुछ है रेशियो। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो असल में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, और वो हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल जो है इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। और अभी इंडिया अपनी ज़रूरत का कुछ 70% के आसपास जो है क्रूड ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करना पड़ता है हमें विदेशों से, तो ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी काफ़ी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ कन्वर्ट होते हैं तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी के लिए और हम सबके लिए वाकई एक बहुत अच्छा पहल एड ऑन करेंगे आपके साथ। कि अभी इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनका जो कैलकुलेशन है वो ये कह रहा है कि एग्जैक्टली आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि केवल 5% जो पैसेंजर कार मार्केट है वो कन्वर्ट हो पाएगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर कन्वर्जन का जो रेट है वो काफ़ी स्लो है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हैं अभी के टाइम में। लेकिन उससे पहले हम लोग एक चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो इंडियन मार्केट के लिए और जो इंडियन टेरिटरी है उसके हिसाब से किस तरीके से वो ज़्यादा सही है और क्यों हमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो चूज़ करने चाहिए। इसमें फर्स्ट जो हम लोग आपके साथ रीजन शेयर कर रहे हैं वो है नो फ्यूल वेस्टेज जो है इन आइडलिंग टाइमिंग, मतलब आइडल टाइमिंग में जब हम ट्रैफिक में चल रहे होते हैं। इंडिया में ट्रैफिक जैम की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ आप देखते हैं, दिल्ली NCR में आप जाएँ लंबे समय तक आपको ट्रैफिक जैम में खड़ा रहना पड़ता है, तो फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप इंस्टेंटली गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं और फ्रीक्वेंटली स्टार्ट स्टॉप की एक रहता है, तो आपका फ्यूल कंजम्पशन जो वेस्टेज होता है वो नहीं के अंदर। और एवरेज जो रेंज है ट्रैवल की इन इंडिया वो डेफिनेटली कम है इन कंपेरेटिवली US, यूरोप और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो काफ़ी फिजिबल हैं इंडियन जो माइंडसेट है और इंडियन कंजम्पशन है व्हीकल्स का उसके अकॉर्डिंग। और जो अर्बन ड्राइविंग पैटर्न्स हैं वो भी ये कहते हैं कि काफ़ी सूटेबल रहेगा एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंडिया के लिए। लो मेंटेनेंस और इसका जो लो रनिंग कॉस्ट है वो भी डेफिनेटली आपको अट्रैक्ट करेगा, ये करीब 1 रुपये से भी कम इसकी कॉस्टिंग पड़ती है पर किलोमीटर जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में नॉइज़ बिल्कुल नहीं होता है, जिस तरह की डीजल और पेट्रोल कार्स नॉइज़ करती हैं, आवाज़ करती हैं, तो इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं होती है, नॉइज़ फ्री जो पॉल्यूशन है वो भी अब इसमें नहीं जनरेट होता है बिल्कुल भी। तो ये कन्वीनियंट चार्जिंग ऑप्शंस भी इसमें अवेलेबल हैं, घर पे ही आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आज अभी जो रिसेंटली व्हीकल्स पे R&D हो रहा है और जो व्हीकल्स अभी मार्केट में आ रहे हैं वहाँ एक फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी भी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कि आपका क्विक चार्ज हो जाता है और उसमें कुछ 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर आपकी गाड़ी चार्ज हो जाती है। इजी टू ड्राइव ऑप्शन है, ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं ये गियरलेस व्हीकल्स हैं, इसमें सिर्फ स्पीड देनी है और आपको ब्रेक लगाना है, नथिंग एल्स, इसमें गियर का आपको संभालने का प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। तो काफ़ी ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं, जितनी कार्स हैं जितनी व्हीकल्स हैं, तो काफ़ी बेहतर तरीके से इसको ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी के साथ लोग चला सकते हैं ये चीज़ें। और इको और एनवायरमेंटल जो है फ्रेंडली ये सारे व्हीकल्स हैं, ये भी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा कम्फर्टेबल केबिन और मोर स्टोरेज ऑप्शन इसमें आपको मिलते हैं। इसका वो डिज़ाइन इस तरह से रहता है कि इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको लैग स्पेस भी मिलता है और ज़्यादा इसमें स्पेस आपको मिल पाता है स्टोरेज की रिगार्डिंग भी। अब हम सब्सिडीज़ के आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो सब्सिडीज़ का जो मैटर रहेगा उसको लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कुछ पॉलिसीज़ हैं और डिफरेंट स्टेट्स जो हैं अपने अकॉर्डिंग इसमें प्रमोशंस कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रमोट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने स्टेट के अंदर। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 2-व्हीलर्स पे जो सब्सिडी है वो कुछ 1800 से लेके 22,000 तक की एक सब्सिडी दे रही है
फोर व्हीलर्स पे वो रुपीज 1100 से लेके 1.38 लाख की सब्सिडी फॉर कार्स पे दे रही है। और रही बात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन की इन जीडीपी, तो 22% वो लोग मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि 2022 तक इसके 25% तक पहुंचने का अनुमान है। तो काफ़ी अच्छी स्पीड से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है ग्रो कर रही है हमारे देश के अंदर। इसके साथ ही अब हम जानेंगे कि दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और दूसरे जो कुछ स्टेट्स हैं वो किस तरह के बेनिफिट्स या किस तरह की इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आए हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो अगर आप इन राज्यों से रिलेटेड हैं तो डेफिनेटली आपको इन स्कीम्स का बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। हेलो दोस्तों, इसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अलग अलग इंसेंटिव स्कीम्स लेकर आई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने स्टेट्स में प्रमोट करने के लिए। और इसके अंदर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट जहाँ की अभी आपकी सरकार है और वहाँ अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही एक अनाउंसमेंट कर दिया था कि एग्जैक्टली उन्होंने एक अलग पोर्टल भी बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और वहाँ कुछ 1.5 लाख रुपये तक वो सब्सिडी दे रहे हैं शायद कार्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप परचेस कर रहे हैं तो उसमें कार के लिए। और इसके साथ ही दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अपने दिल्ली के एरिया के अंदर दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है। और उन्होंने अभी कुछ 1000 एसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बसेस हैं उसका ऑर्डर करा हुआ है। और वो व्हीकल्स जो बसेस रहेंगे उनकी खास बात ये रहेगी कि उनमें सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा, उनमें एबीटीएस टेक्नोलॉजी, पैनिक बटन्स और अलार्म्स की फैसिलिटी रहेगी। और उसके अंदर जो सब्सिडी का जो पोर्शन है वो कुछ 75 लाख या 60% जो टोटल बस का जो कॉस्ट रहेगा इन दोनों में से जो कम होगा उसको जो है वो सब्सिडाइज करा जाएगा फ्रॉम दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये बहुत अच्छी पहल है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने स्टेट में प्रमोट करने के लिए। इसके साथ ही तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी कुछ अभी जो है स्टेटमेंट्स दिए थे कि वो भी अपने राज्य के अंदर इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं प्रमोट करना चाहते हैं। तो उन्होंने केएमसी ग्रुप के साथ, जो दुबई का केएमसी ग्रुप है उसके साथ एक एसोसिएशन करा है और उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कराया है 100 करोड़ का और उससे 5000 करीब जॉब्स जो है वो क्रिएट। साथ ही जो है कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करा है कुछ 31,000 करोड़ का और जिससे कि कुछ 55,000 एम्प्लॉयमेंट का वहाँ अनुमान है 2031 तक। और वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं अपने राज्य के अंदर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स हुए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हुए, बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हुए, वो उसके प्रमोशंस को लेके उस पर काफ़ी सीरियसली काम करना उनके लिए इंटरेस्टेड। उसके साथ ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अभी एक रोड मैप दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके और उन्होंने कहा है 15% से सब्सिडी लेके वो कुछ 1 लाख तक की 15% सब्सिडी देंगे फर्स्ट 1 लाख उन व्हीकल्स को जो कि रजिस्टर्ड होंगे एज अ ईवी व्हीकल्स होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, रजिस्टर्ड करे जाएंगे स्टेट के अंदर। और गवर्नमेंट ने एक और प्रपोजल उसके साथ ही रखा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस की भी एक अभी बात चल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जैसे जैसे उनकी डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली चार्जिंग स्टेशंस की रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट होती चली जाएगी। तो अगर आप चार्जिंग स्टेशंस को डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग 250 चार्जिंग स्टेशंस के लिए उनका एक प्लान है कि 1 मिलियन तक का वो एक सब्सिडी प्रोवाइड करवाएंगे, 1 मिलियन अप्रॉक्स 10 लाख रुपीज़ के आसपास सब्सिडी जो है वो इसमें दी जाएगी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपको चार्जिंग स्टेशंस के इस्टेब्लिशमेंट्स के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स अभी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने स्टेट्स में और देश में प्रमोट करने के। हेलो दोस्तों, इसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली एक और प्लान लॉन्च करा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग को लेके हमारे देश में काफ़ी इसके साथ ही बढ़ावा मिलेगा। और वो है हमारे ही देश के अंदर असल में मेड इन इंडिया बैटरी का जो एक संकल्प है वो भी पूरा करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि लिथियम आयन बैटरीज हैं। अभी तक उसकी डिपेंडेंसी जो है हमारी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बनी हुई है और चाइना लिथियम का जो है वो उसके पास काफ़ी भंडार भी है, वो थर्ड नंबर का लिथियम प्रोडक्शन जो है करने वाला कंट्री है वर्ल्ड वाइड। तो ये भी एक चीज़ें हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल
बैटरी स्टोरेज करके एक लॉन्च करा है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1.97 ट्रिलियन का एक प्लान लेकर आई है, पीएलआई स्कीम लेकर आई है, जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम इंसेंटिव स्कीम होती है। और उसके अंदर कुछ आपको 50 गीगावाट आवर का मैन्युफैक्चरिंग जो है एक सेल बैटरीज के रिगार्डिंग आपको इस्टेब्लिश करना होगा, तो उसके ऊपर कुछ आपको इंसेंटिव्स आपको दिए जाएंगे। और ये इंसेंटिव स्कीम है, और ये इंसेंटिव स्कीम्स का जो पे आउट है वो डिपेंड करेगा आपके सेल्स के ऊपर, डिपेंड करेगा आपकी एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी जो बैटरी आप लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बैटरी लाइफ साइकिल कितना है, कितना लंबा आपका बैटरी चलता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोकलाइजेशन लेवल कितनी चीज़ें आप लोकली रिसोर्स कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर ये सब चीज़ें बहुत ही इफेक्टिवली अगर हमारे देश के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक कार्स का जो मार्केट है हमारे देश का ग्रो कर जाता है, तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है देश के आगे वो ख़त्म हो जाएगी। इंडिया जो है अपने करीब 2 से 2.5 ट्रिलियन डॉलर का जो अमाउंट है हम लोग वो सेव कर लेंगे, जो अभी हम ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वर्तमान में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। उसके अंदर एक लास्ट अब हम लोग जो टॉपिक एडॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर वो रहेगा चैलेंजेस और कंफ्यूजन्स को लेकर, कि अभी के वर्तमान भारत के अंदर हमारे सामने अगर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, जिसमें टू व्हीलर्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, और कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हमारे सामने इंस्टेंटली क्या और किस तरीके के चैलेंजेस हम लोग देखते हैं, और कितना फिजिबल है अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हमारी कंट्री के लिए, और क्या हम अभी उस क्षेत्र में तीव्रता से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें हम पहले चैलेंजेस की आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में कार के या टू व्हीलर्स के अभी आप देखें, या कमर्शियल व्हीकल्स के अगर आप देखते हैं, तो बहुत ही लिमिटेड अभी ऑप्शंस इंडिया में अभी अवेलेबल हैं। बहुत कम कंपनीज हैं जो इस क्षेत्र में अभी काम कर रही हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। ज़्यादातर कार मैन्युफैक्चरर्स या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अभी पेट्रोल और डीजल मॉडल के ऊपर ही काम कर रहे हैं। बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने एक आध वर्जन या मॉडल इस समय लॉन्च करना स्टार्ट करा है 2020 से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के क्षेत्र के अंदर। और इसके साथ ही लिमिटेड जो व्हीकल्स हैं वो एक बड़ी समस्या है हिंदुस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के अंदर। तो जैसे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी इस क्षेत्र के अंदर और लोगों के सामने, बायर्स के सामने ज़्यादा बेहतर विकल्प प्रस्तुत करेंगे, तो ये इंडस्ट्री उतनी ही ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो कर पाएगी। दूसरा इसके अंदर एक प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में जो देखने को मिल रही है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि डेफिनेटली लोगों के अंदर अभी जागरूकता की कमी भी है। लोगों की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा अभी पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के ऊपर बनी हुई है, और लोग अभी इंस्टेंटली उसको छोड़ने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं लेकिन फिर भी वो उसको नहीं छोड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का भी प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग का भी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर अभी, बिकॉज हम लोग का जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो 70% हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों की डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज हैं या फ्यूल के जो प्राइसेज हैं पेट्रोल और डीजल के इन इंडिया, वो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग शायद आने वाले वक्त के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर स्विच करेंगे। और इसके साथ ही जो एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिलती है या सब लोग सोचते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो आता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लाने के बाद, अल्टीमेटली उनको चलाने के लिए उनका चार्जिंग करना ज़रूरी है। जिस तरह हम मोबाइल अपना चार्ज करते हैं या दूसरे गैजेट्स को अपना चार्ज करते हैं, उसी तरीके से इसको भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अभी जो चार्जिंग स्टेशंस की जो पूरे एक नेटवर्क होना चाहिए था देश के अंदर, वो नेटवर्क कहीं भी इस्टाब्लिश नहीं है, चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। अभी अपनी कार को, अपने टू व्हीलर को या अपने थ्री व्हीलर को चार्ज करने के लिए इंडिया के अंदर, तो प्रॉपर चार्जिंग स्टेशंस के इस्टाब्लिशमेंट्स को लेके भी गवर्नमेंट को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा इस क्षेत्र के अंदर। इस तरीके से चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये चैलेंज नहीं रहेगा। रिसेंटली अभी एक डेवलपमेंट निकल के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग जितने कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं,
उन्होंने अपने डीलर नेटवर्क के साथ मिलकर उन लोगों के एसोसिएशन कर रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग उनका ये स्टेटस है कि आने वाले वक्त के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए वो चार्जिंग जो स्टेशन हैं उसका ऑप्शंस भी अपने डीलर नेटवर्क के साथ ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो इंस्टेंटली सारे शहरों में वो नेटवर्क पहुंच जाएगा और एक इजी अप्रोच हो जाएगी हम सब लोगों के पास चार्जिंग करने का एक ऑप्शन, एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी हम लोगों के पास मौजूद होगा। इसके साथ ही जो फास्ट चार्जिंग भी अगर हम इसमें एक और पॉइंट डाउन करते हैं कि अगर हम घर में अपने फोर व्हीलर को अगर हम चार्ज करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ जो 220 वॉट्स की जो लाइन रहती है घर के अंदर अमूमन, वहाँ हमें अपने फोर व्हीलर को चार्ज करने में फुल चार्ज करने में 7 से 8 घंटे का समय लगेगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली कुछ गैजेट्स हैं उस पर काम हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग वहाँ से उन बैटरीज में फास्ट चार्जिंग का एक ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसके अकॉर्डिंग हार्डली हाफ एन आवर या फिर 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो बैटरी है कार की पूरी फुली चार्ज हो जाएगी, जिससे कि डिपेंड ऑन योर व्हीकल जो आप लेके चल रहे हैं, जो आपके पास कार है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत लंबा रास्ता आप तय कर सकते हैं। ये कार्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स काफ़ी अच्छा माइलेज भी देती हैं, कुछ कार्स 300 किलोमीटर्स का रेंज देती हैं फुली चार्ज होने में, कुछ 450, कुछ 650 इस तरह का रेंज वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो काफ़ी इकोनॉमिकल भी हो जाती हैं। इसके साथ ही जो एक और प्रॉब्लम सामने है, चैलेंज जो आता है, जो बैटरी है अभी जो लिथियम आयन बैटरी है डेफिनेटली उसका जो मैन्युफैक्चरिंग अभी है और जो डिपेंडेंसी है इंडिया की इस समय वर्तमान में, वो सारी की सारी हम लोग इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं। खासकर अगर हम कहें तो चाइनीज़ मार्केट के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि नियरेस्ट हमारा चाइना एक बहुत बड़ा इसका मैन्युफैक्चरर है लिथियम आयन बैटरी का, और वहीं से सारे वर्ल्ड वाइड भी सप्लाई कर रहा है। लिथियम का जो भंडारण है वो भी वो थर्ड नंबर पे स्टैंड करता है इसके अंदर। तो अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों के अंदर जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ एसोसिएट करके और नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका देकर हिंदुस्तान के अंदर लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग को बड़े लेवल पे स्टार्ट कराया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त की डेफिनेटली ये एक डिमांड है और ये एक बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है सिर्फ बैटरी में। तो इसीलिए इसके साथ ही एक और जो इशू और चैलेंज हमारे सामने आता है वो है कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अगर हम कॉस्टिंग को कंपेयर करें अभी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक डीजल कार आप लेते हैं वो 7 लाख के अंदर आपके पास आ जाएगी या 7-7.5 लाख में आप अच्छी खासी एक डीजल कार ले सकते हैं। अगर आप वही इलेक्ट्रॉनिक कार उसी मॉडल में चूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग जस्ट डबल होती है, 14 लाख से 15 लाख के आसपास वो पड़ती है। तो कॉस्ट इफेक्टिव अभी शायद कार्स नहीं हो रही हैं। अगर सब्सिडी भी अगर आप लेते हैं, आपको सब्सिडी भी उसमें मिलती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज चल रहा है अभी, स्कीम्स अलग अलग स्टेट्स में स्कीम्स भी हैं, तो अगर वो स्कीम्स का भी फ़ायदा लेते हैं तो डेफिनेटली उसके बाद भी उसकी जो कॉस्टिंग है काफ़ी आउट ऑफ रेंज है। तो इसको थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी करना चाहिए हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको इंडिया के अंदर रोटेट कर पाएंगे और ज़्यादा तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री जो है इंडियन मार्केट के अंदर ग्रो कर पाएगी। और इसके साथ ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत जिम्मेदार हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो मार्केट है उसको तेज़ी से ग्रो कराने के लिए। नॉर्वे के अंदर बहुत अच्छी पॉलिसीज़ नॉर्वे ने अपनी बनाई हैं। वहाँ अभी इस समय करेंटली 75% जो व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और उसके अंदर नॉर्वे ने इस तरह की पॉलिसीज़ करी हैं। उन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी अडॉप्ट करना चाहिए। वो लोग उनको टैक्स एग्जम्पशन भी दे रहे हैं, वो रोड टैक्स एग्जम्पशन भी दे रहे हैं, इंश्योरेंस एग्जम्पशन भी दे रहे हैं, वो टोल में एग्जम्पशन भी दे रहे हैं, उनको बहुत जगह प्रायोरिटीज़ मिल रही हैं बिकॉज आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आप लेके चल रहे हैं, तो बहुत सारी जगह उनको प्रायोरिटीज़ भी मिल रही हैं, गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ भी मिल रही हैं, तो हर तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। तो डेफिनेटली उनके यहाँ जो रजिस्ट्रेशन का जो एक स्कोर है वो 75% को टच कर गया है, तो ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब ये कुछ चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर मेहनत कर रही है, काम कर रही है, और ये अपने आप में बिज़नेस बहुत बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर बनाया ये कैसा लगा, प्लीज़ आप कॉमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में क्या सोचते हैं और आप
को अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेके इंडियन मार्केट अभी कितना तैयार है और वास्तव में हमारे सामने एग्जैक्टली क्या चैलेंजेस हैं, तो प्लीज़ अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स करके हमें साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों हमारे चैनल बिजटेक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।